मुस्लिम महिला अधिकाराय त्रितलाकोच्चार निषेध विधेः एकवर्ष पूर्त्यवसरे मुस्लिम महिला अधिकार दिवसः आमान्यते। विधिमन्त्रिणा रविशंकर प्रसादेन प्रोक्तं यत् महिलाभ्यः न्यायः सम्मानं च प्रदानं सर्वकारस्य ध्येयः वर्तते। केन्द्रीय मन्त्रिणा मुख्तार अब्बास नकवी वर्येण अथ च स्मृति ईरानी वर्यया अपि देशे मुस्लिम महिलाः सम्बोधिताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ग्रांड स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 इत्यस्य संबोधनं विधास्यति। युवजनेभ्यः नूतन विचाराभिव्यक्तेः बृहत् क्षेत्रमिदं। प्रधानमंत्री छात्रैः साकं संवादमपि विधास्यति। केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकरेण ब्रिक्स पर्यावरण मन्त्री परिषदोपवेशने भागं गृहीतं। तेन तत्र समानतया भारतस्य विश्वासः पुनरपि अभिव्यक्तम्, अपि च तेन जलवायु परिवर्तनं विषयोपरि उत्तरदायित्वं क्षमता च विवर्धनाय दृढतया प्रतिपादितम्। देशे कोरोना परीक्षण क्षमताम् अवलम्ब्य मन्त्रिसमूहस्य समीक्षोपवेशनम्। कोरोना विरुद्धे संघर्षे भारतेन महत् साफल्यम् अवाप्तम्। विगतासु चतुर्विंशतिहोरासु 2,46,600+ रोगिणां प्रारूप परीक्षणं स्वास्थ्य मंत्रालयेन प्रतिदिनं 10,00,000+ परीक्षण क्षमता लक्ष्यम् उपस्थापितम्। अभिवादये अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य मुस्लिम महिला अधिकार दिवसः परिपाल्यते। केन्द्र प्रशासन द्वारा महिलाधिकारम् अभिलक्ष्य त्रितलाकोच्चार विधेयकं गतवर्षे एव अभ्युपगतमासीत्। तलाक त्रयोच्चार विधेयकस्य एकवर्ष पूर्त्यवसरे अद्य केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसादः, केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चापि मुस्लिम महिलाभिः सार्धं संवादम् आचरन्। दृश्य श्रव्य तंत्रेण समायोजिते संभाषणावधौ मंत्रिभिः विधिरागमे मुस्लिम महिलानां अनुभवः अभिज्ञातः। अत्रांतरे अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्र मोदिनः संकल्पः समावेशी परिष्कारात्मकः वर्तते। तलाक त्रयोच्चार विधेः प्रभावोत्पादकाः परिणामाः समक्षमागताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वो समावेशी सुधार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का है। और इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की कि तीन तलाक जैसी कुरीति, कुप्रथा और क्रिमिनल एक्ट खत्म होना चाहिए, इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्राइम को, ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत के जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया, और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार और बेहतरीन उसका नतीजा हमारे सामने आया है। और इन एक सालों के अंदर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ट्रिपल तलाक के जो केसेस हैं वो खत्म हुए हैं। अत्रोपलक्ष्ये केन्द्रीय वस्त्र महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सविशेषं न्यगादीत् यत् नास्ति दिनमिदं केवलं मुस्लिम महिलाभ्यो विशिष्टं, प्रत्युत समाजे सम्मानं समीहमानाभ्यः सकलभ्योपि नारीभ्यः दिवसोऽयं महत्वास्पदो विद्यते। मुसलमान बहनों का दिन नहीं, यह हर उस हिंदुस्तानी महिला का दिन है जो चाहती है कि महिला को परस्पर सम्मान समाज में मिलता रहे। यह दिन हर उस माँ का दिन है, हर उस पिता का दिन है जो चाहता है कि उसकी बेटी एक सुरक्षित भविष्य को प्राप्त करे। यह दिन हर उस परिवार का दिन है जो कामना करता है कि समाज में परस्पर हम संपर्क संबंधों के माध्यम से महिला की प्रतिष्ठा को बनाकर रखें। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद मुस्लिम महिला अधिकार दिवसावसरे अद्य आयोजित मुख्य समारोह समबोधयत। असौ अवादीत् यत् नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मानम् हि एतत् प्रशासनस्यास्ति प्रमुखमुद्देश्यम्। वयं देशस्थाः महिलाः अन्तर्जालावश्यकता अनुसारी साक्षराः विधातुम् अभियानमेकं प्रवर्तयिष्यामः।
नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान ये हमारी सरकार का हुकूक है, उसका एक आईन है, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। हिंदुस्तान के आईटी मंत्रालय में, आईटी टोटल आईटी सिस्टम में 40 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं और 125 करोड़ लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं और इसमें एक तिहाई महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप लोग हैं। अभी जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात किया, देश में वो पहले 70,000 था, उसको हम ले गए लगभग 4.25 लाख तक, उसमें 12 लाख बच्चे बच्चियां काम करते हैं, उसमें भी महिलाएं हैं। आइए आपके साथ मिलकर इस मुल्क की ख्वातीनों को डिजिटली लिटरेट बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्वः सायंकाले स्मार्ट इंडिया हैकथॉन इति कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यते। कार्यक्रममिदं AICTE इति अखिल भारतीय प्रविधि शिक्षा परिषदा नवदेहल्याम् आयोज्यते। कार्यक्रमेस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा एषमः राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषयेपि स्वविचाराः प्रस्तोष्यन्ते। कार्यक्रममिदं अगस्त मासस्य एकदिनांकतः त्रिदिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रिणा षष्ठोपवेशने भारतस्य प्रतिनिधित्वं आवहति। केन्द्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकरः भारताय अस्य समूहस्य विशिष्टं स्थानं तेन ख्यापितं। जावडेकरः अवोचत् यत् भारतं विश्वसिति यत् जलवायु परिवर्तनस्य शमनानुकूलयोः वैश्विक लक्ष्य प्राप्त्यर्थं समानरूपेण प्रदत्तं उत्तरदायित्वं वित्त प्रौद्योगिकी परस्य सहभागस्य प्रमुखमेकं स्तंभमस्ति। अपि च भारतम् एतत् पेरिस संधि जलवायु प्रतिबद्धतानुरूपम् अग्रेसरत् अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिणा प्रकाश जावडेकरेण दीर्घकालिक नगर प्रबंधन सामुद्रिक अवकर वायु प्रदूषण नदीनां स्वच्छता संबद्धेषु क्षेत्रेषु भारत द्वारा विहिताः प्रयासाः सविस्तरं विज्ञापिताः। वायु प्रदूषण नियंत्रणे भारत द्वारा अनुष्ठिताः प्रयासाः अपि केन्द्रीय मंत्रिणा सुष्ठु प्रतिपादिताः। जावडेकर न्यगादीत् यत् जलवायु परिवर्तन सम्बद्धानां सूचनानां आदान प्रदानमुद्दिश्य अन्तर्जाल पुटकानि अपि समारभन्ते, येन अस्मिन् दिशि अतोपि द्रुतगत्या प्रभावपूर्णरीत्या च कार्याणि समाचरेयुः। बिहारे जलप्लावनस्थितिः अति गभीरा अस्ति। राज्ये प्रभावित क्षेत्राणां संख्या 14 संजाता। 40 लक्षमिताः जनाः जलप्लावनेन दुष्प्रभाविताः। दुष्प्रभावित क्षेत्रेषु 29 सुरक्षा शिविराणि 1,000 सामुदायिक महानस स्थानानि प्रचाल्यते। जलप्लावेन 87,400,000 हेक्टेयर मितेषु क्षेत्रेषु धान्यस्य कृषिः विनष्टा जाता। ऋतुविज्ञान विभागानुसारेण आगामी 24 होरावधौ महानंदा कोसी जलक्षेत्रयोः मध्यमात् भीषण वर्षा, गंडक बागमती जलग्रहण क्षेत्रयोः न्यूनात् सामान्य वर्षा संभाव्यते। विगतासु 24 होरासु कोरोना संक्रमिताः 37,000+ जाताः, चिकित्सावकाशं गताः। एवं साम्प्रतं यावत् महामारीतः स्वस्थीभूतानां संख्या भूयोपि 10,50,000+ अस्ति। स्वास्थ्य मंत्रालयेन प्रकाशितं सूचनानुगुणं महामार्याः मृत्यु प्रतिशतता अपचीय देशे 2.18 परिमिता संजाता। तावत् स्वस्थतां गतानां प्रतिशतता 64.54 मितास्ति। देशे कोरोना स्थितिं परीक्षण क्षमताम् आधृत्य मंत्रिपरिषदः अद्य समीक्षोपवेशनं संजातम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धनस्य अध्यक्षतायां संजातोपवेशनेस्मिन् विदेश मंत्री एस जयशंकरः, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंहः अपि आस्ताम्। उपवेशनेस्मिन् स्वास्थ्य मंत्रिणा प्रोक्तं यत् सर्वकारेण विगतमासे स्वनीत्या कोरोना विरुद्धे नैकाः सफल पदक्षेपाः उत्थापिताः। सममेव देशे महारोगस्य अस्य निरोधनस्य संसाधनानि अपि संवर्धितानि। पिछले एक महीने में हमने लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ टेस्ट जो है अपने देश में किए हैं और लगातार, क्योंकि ये एक डाटा है जो हमारे मंत्रालय में हम लोग रोज शाम को 7 बजे
डेली रिव्यू करते हैं, 0.27% लोग जो है वेंटिलेटर पर थे, 1.58% आईसीयू में थे और 2.28% को किसी भी रूप में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। इन सब चीज़ों का आइडिया हमने आपको इसलिए दिया कि पिछले समय में हमने देखा है कि हर चीज़ में हम लोगों की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ी है। अमेरिकायां राष्ट्रपति निर्वाचने संभाव्य विलंब परं परामर्शं ख्यापनानन्तरं अमेरिकीयो राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः ट्वीट संदेश माध्यमेन अचकथत् यत् नासौ निर्वाचन दिनानां अग्रे सारणं समीहते, परन्तु प्रावैधिक व्यवस्थाः अधिकृत्य कतिपय समस्याः भवितुम् अर्हन्ति। ट्रम्प वर्येण मतदानावधौ महत् कपटाशंकापि प्रकटिता, तेनोदीरितं यत् अमेरिकायाः इतिहासे निर्वाचनानि एतानि सर्वाधिक्येन त्रुटिपूर्णानि भवितारः। ध्येयमस्ति यत् अमेरिकीयं विध्यनुगुणम् एषमो नवम्बर तृतीये दिनाङ्के राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनानि नियतानि सन्ति। वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।